हेलो फ्रेंड्स, लेट्स एक्सप्लोर कार्स के यूट्यूब चैनल का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं मारुति सुजुकी फ्रॉन्स के सारे वेरिएंट डिटेल में, मतलब कौन से वेरिएंट में आपको कौन सा फीचर देखने को मिलने वाला है, कौन सा वेरिएंट का कितना प्राइस है, आपके लिए सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट क्या रिलेवेंट है, सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो अगर आप फ्रॉन्स लेने वाले हो तो आपके लिए ये वीडियो काफी यूजफुल रहने वाला है, तो वीडियो को एंड तक देखना। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो अगर आपको ये कार खरीदनी है तो शोरूम डिटेल भी हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो वो भी आप चेक कर सकते हो। सबसे पहले वेरिएंट्स की बात करें तो आपको टोटल 5 वेरिएंट्स मिलने वाले हैं, सिग्मा, डेल्टा, डेल्टा प्लस, जेटा और अल्फा। तो ये कुछ आपको 5 वेरिएंट मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले बेस वेरिएंट की बात करें तो ये है सिग्मा वेरिएंट, जिसमें आपको सारे छोटे मोटे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। कुछ ज्यादा फीचर्स नहीं मिलते, पर बेसिक लेवल के सारे फीचर्स मिलने वाले। जैसे आपको हेडलाइट की बात करें तो हेलोजन हेडलैम्प, स्टील व्हील विथ व्हील कैप, मतलब एलो व्हील नहीं मिलने वाले, स्किड प्लेट, रूफ गार्निश और शार्क फिन एंटीना जैसे एक्सटीरियर में बेसिक फीचर मिलने वाले हैं बेस मॉडल से। तो ये अच्छी बात है कि आपको बेस मॉडल में थोड़े बहुत फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। और फीचर्स की बात करें, मतलब इंटीरियर की फीचर या सेफ्टी फीचर की, तो दूसरे फीचर्स की बात करें तो आपको मिलने वाले हैं कि हाई होल असिस्ट, ड्यूअल एयरबैग, पार्किंग सेंसर और ESP। टोटल 4 पार्किंग सेंसर देखने वाले। रिवर्स कैमरा आपको इस वेरिएंट में देखने को नहीं मिलने वाला, तो सेफ्टी फीचर भी आपको थोड़े बहुत अच्छे मिलने वाले। और वेरिएंट की बात करें तो इंटीरियर में आ जाए तो इंटीरियर में आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम, स्पीकर और ट्विटर, ये चीज आपको नहीं मिलने वाली बेस वेरिएंट में। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है बेस वेरिएंट का कि आपको स्पीकर, ट्विटर या इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता ही नहीं है। इंटीरियर फीचर्स की बात करें तो उसमें आपको स्टेयरिंग एडजस्टमेंट मिलता है टिल्ट वाला, गियर शिफ्ट इंडिकेटर मिल जाएगा आपको MID में सिर्फ मैनुअल वेरिएंट में, उसके अलावा आपको रियर फोल्डेबल सीट मिल जाएगी 60-40 में और चारों पावर विंडो मिल जाएगी। तो ये कुछ बेसिक फीचर है जो आपको बेस वेरिएंट में मिल जाते हैं। थोड़े काम के फीचर है, थोड़े काम के फीचर नहीं है, बट बेस वेरिएंट है, मतलब आप इसे फीचर एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। ऑटोमेटिक AC, ड्राइवर साइड एंटी पिंच विंडो, मतलब अगर आप विंडो क्लोज करते हो और आपकी बीच में हाथ आ जाता है तो विंडो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। उसके अलावा एडजस्टेबल हेडरेस्ट और फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील जैसे फीचर्स भी आपको उसके बेस वेरिएंट में मिल जाते हैं फ्रॉन्क्स के। और सिग्मा वेरिएंट के प्राइसिंग की बात करें तो इसका एक्स शोरूम स्टार्ट होता है 7.46 लाख रुपीज से, ये एक्स शोरूम प्राइस है। इसके अलावा आपको रोड टैक्स, GST वगैरह और देना पड़ेगा, पर एक्स शोरूम प्राइस है इसकी 7.47 लाख रुपीज। तो ये था फ्रॉन्क्स का बेस वेरिएंट सिग्मा। अब देखते हैं इसका सेकंड बेस वेरिएंट जो कि है डेल्टा वेरिएंट। अब उसमें देखते हैं कि आपको क्या क्या फीचर सिग्मा से एक्स्ट्रा देखने को मिलते हैं, मतलब हम सिग्मा वेरिएंट के फीचर्स इसमें नहीं बताने वाले क्योंकि वो तो इसमें मिलने ही वाले, उसके अलावा क्या फीचर्स एड ऑन होके मिलते हैं वो बताते हैं। तो इसमें आपको एड ऑन होके एंटी थेफ्ट सिस्टम देखने को मिल जाएगा, उसके अलावा इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM मिल जाएगी, मतलब आप अपने ORVM अंदर से सेट कर सकते हो इलेक्ट्रिकली। उसके अलावा आपको बॉडी कलर में ORVM देखने को मिलेगा विद टर्न इंडिकेटर। सिग्मा वेरिएंट में आपको मैट ब्लैक कलर में देखने को मिलता था, बट इसमें आपको बॉडी कलर में देखने को मिलेगा। तो ये फीचर्स ऐसे थे जो आपको एक्सटीरियर में या तो ऐसा सेफ्टी देखने को मिलते हैं। और फीचर्स की बात करें जो इंटीरियर में मिलते हैं तो उसमें आपको 17 इंच का टच इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाएगा, जिसमें एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारपे दोनों सपोर्ट करेगा। उसके अलावा आपको 4 स्पीकर एड ऑन होकर मिल जाएंगे, क्योंकि आपको सिग्मा वेरिएंट में ना ही स्पीकर ना ही इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिलता था। उसके अलावा आपको ब्लूटूथ और USB की कनेक्टिविटी भी देखने को मिल जाएगी, मतलब आप USB से भी अपना साउंड प्ले कर सकते हो। उसके अलावा आपको बूट में रियर पार्सल ट्रे भी देखने को मिल जाएगी डेल्टा वेरिएंट में। तो ये कुछ ऐसे फीचर्स है इंटीरियर के जो आपको सिग्मा वेरिएंट से ज्यादा आपको डेल्टा वेरिएंट में देखने को मिलने वाले। इस वेरिएंट में थोड़े और एक्स्ट्रा फीचर ऐड कर दिए है मारुति ने सिग्मा वेरिएंट के कंपेयर में, मतलब आपको इंटीरियर में थोड़े फीचर्स और ऐड करके दे रही है मारुति डेल्टा वेरिएंट में। तो ये थोड़ा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट आपके लिए रहने वाला है, क्योंकि इसके प्राइसिंग की बात करें तो ये वेरिएंट आपको एक्स शोरूम मिलने वाला है 8.32 लाख रुपीज में, और उसके ऊपर टैक्स और GST अलग से लगेगा। तो अब हम देखते हैं इस कार का सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट जो कि इसका डेल्टा प्लस वेरिएंट। ये एक मिड वेरिएंट है फ्रॉन्क्स का, तो इसमें आपको काफी सारे फीचर्स एड ऑन होकर देखने को मिलने वाले हैं, और ये सबसे वैल्यू फॉर मनी है और इसका वेटिंग पीरियड भी सबसे ज्यादा है इस कार में। तो सबसे पहले चेंजेस की बात करें तो इसमें आपको LED लाइट्स मिलने वाली है विद DRLs, मतलब आपको फ्रंट की लाइट पूरी LED में देखने को मिलेगी और DRLs भी मिल जाएगी। इसके साथ साथ आपको 16 इंच के अलॉय व्हील्स देखने को मिलते हैं। पहले दो वेरिएंट में आपको सिर्फ स्टील रिम देखने को मिलती है और उसके ऊपर आपको व्हील कैप देखने को मिल जाएगी, पर इसमें आपको अलॉय व्हील मिलेगी, मतलब आपका गाड़ी का लुक और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। और इसकी प्राइसिंग की बात करें तो इसकी एक्स शोरूम प्राइस है 8.72 लाख रुपीज। फोर्थ वेरिएंट है इसका का जीटा वेरिएंट, और जीटा और अल्फा मतलब टॉप और सेकंड टॉप मॉडल में आपको सबसे ज्यादा फीचर्स देखने को मिलने वाले, पर इसकी प्राइसिंग भी उतनी ही ज्यादा है। अगर जीटा वेरिएंट के फीचर्स की बात करें एक्स्ट्रा, तो उसमें आपको रिवर्स कैमरा ऐड हो जाएगा, ट्विटर्स ऐड हो जाएंगे, मल्टी इन्फोटेनमेंट सिस्टम ऐड हो जाएगी, वायरलेस चार्जर ऐड हो जाएगा, अगर आप ऑटोमेटिक कार लेते हैं तो पैडल शिफ्टर ऐड हो जाएंगे। तो ये तो कुछ ही फीचर है, उसके अलावा भी और काफी सारे सेफ्टी फीचर ऐड होने वाले हैं इस वेरिएंट में।
जैसे कि स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो आप टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों आप एडजस्ट कर सकते हो। उसके अलावा आपको पुश स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाएगा, फ्रंट में आर्मरेस्ट मिल जाएगा, ड्राइवर हाइट एडजस्टेबल सीट मिल जाएगी, रियर में एसी और यूएसबी चार्जिंग सपोर्ट मिल जाएगा, रियर वाइपर और वॉशर भी मिल जाएगा आपको जीटा वेरियंट। तो ये तो कुछ थे इंटीरियर फीचर। अब सेफ्टी फीचर की बात करें तो आपको स्क्रीन में सारे ही सेफ्टी फीचर देखने को मिल जाएंगे, जैसे जियो फेंस, इमरजेंसी अलर्ट, लो फ्यूल अलर्ट, ओवर स्पीड अलर्ट, सीट बेल्ट अलर्ट, लाइव व्हीकल ट्रैक, ड्राइव स्कोर, बैटरी अलर्ट, जैसे काफी सारे फीचर देखने को मिलने वाले। तो अगर आपको थोड़े और ज्यादा फीचर्स चाहिए और प्राइस का कोई इशू नहीं है तो आप ये वेरिएंट भी कंसीडर कर सकते हो, उसमें भी आपको काफी सारे फीचर्स मिलने वाले। तो अब देखते हैं इसका टॉप वेरिएंट, मतलब इसके ऊपर आपको अब कोई वेरिएंट देखने को नहीं मिलने वाला और उसमें ही सबसे ज्यादा फीचर देखने को मिलने वाले, मतलब सारे फीचर इस वेरिएंट में आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसे हेडसअप डिस्प्ले, 360 डिग्री कैमरा, 22 सेंटीमीटर का प्ले सिस्टम, मतलब इंफोटेनमेंट सिस्टम की साइज भी बढ़ जाएगी। उसके अलावा आपको क्रूज कंट्रोल, ड्यूल टोन एक्सटीरियर, यूवी कट विंडोज और लेदर में स्टीयरिंग व्हील देखने को मिल जाएगा। तो ये कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स थे जो आपको अल्फा वेरिएंट में मिलते हैं और इसके अलावा आपको कोई वेरिएंट देखने को नहीं मिलता। और अल्फा वेरिएंट की प्राइसिंग की बात करें तो इसकी एक्स शोरूम प्राइस है 11.47 लाख रुपीस। तो ये थी बात सारे अलग अलग वेरिएंट के अलग अलग फीचर्स और प्राइसिंग की। अब बात करते हैं इंजन की, तो आपको दो इंजन ऑप्शन देखने को मिलते हैं। एक है 1.2 लीटर का ड्यूल जेट ड्यूल वीवीटी इंजन, जिसमें आपको 89 पीएस की पावर और 139 का टॉर्क देखने को मिलता है। दूसरे इंजन की बात करें तो वो टर्बो इंजन है, 1.0 लीटर का टर्बो बूस्ट जेट इंजन, तो उसमें आपको पावर ज्यादा देखने को मिलने वाली है, जिसमें आपको 100 पीएस की पावर और 147 एनएम का टॉर्क देखने को मिलने वाला है। और ये कार सीएनजी में भी अवेलेबल है, मतलब इसका सिग्मा और डेल्टा वेरिएंट आपको सीएनजी के साथ भी देखने को मिलने वाला है। तो कैसे लगी आपको ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय, जय हिंद।